नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से किसान बंधु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि धान को कब कटवाना चाहिए या धान की कटिंग आप कब कराएं। ये फरने की अवस्था में है और इससे जो अवशेष बचेगा उसे बिल्कुल भी ना नष्ट करें, ना ही उसमें आग लगाएं। उसका क्या करना है हम आपको बताएंगे। वह आपकी यूरिया और फॉस्फेट बनाने में सहायता करेगा। तो आपका जो धान कटने के बाद जो अवशेष बचेगा उसमें आग ना लगाएं या उसे जलाएं नहीं। आप देख रहे हैं धान को और इसको कटवाने की अवस्था जब तैयार हो जाएगी तब यह पौधा 25% सूखने को बचेगा या फिर 75% तक सूख जाएगा। 75% सूख जाएगा और 25% है गीला रहेगा या हरा रहेगा। तब इसको कटवाना है और इतना कटवाने के बाद यह जो अवशेष बचेगा, इस खेत में आप करीबन 2 या 3 किलो, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, इस खेत में 2 या 3 किलो यूरिया डलवा के इसकी पलटी करवा दें, कल्टीवेटर द्वारा इसे पलटी करवा दें और इसमें एक पानी लगा दें। तो जो अवशेष बचेगा हरी खाद के रूप में काम कर जाएगा और आपका करीबन 20-30% खाद बन जाएगी यूरिया के रूप में। उसी में फास्फेट का काम भी हो जाएगा। साथ ही आप अपनी पूरी फसल में ऐसा कराएंगे तो आपको करीबन 2-3 क्विंटल या 2-3 कट्टे कम यूरिया लाना पड़ेगा और अपने जो भी अगली फसल आने वाली है गेहूं की चने की, उसमें कम मात्रा में खतौरा देना पड़ेगा। तो आप इस अवशेष को बिल्कुल भी ना जलाएं, उसका आप हरी खाद में प्रयोग करें और जितना भी हो अपने भाइयों से भी कराएं। साथ ही 25% बचने पर ही अपनी जो फसल होती है उसे आप कटवा सकते हैं। और भी बहुत कुछ ऐसी सूचनाएं मिलेंगी आपको इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हम जो अगला वीडियो डालेंगे उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। किसान बंधु चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए इस लाल बटन को फ्री में दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं।